एक्सक्यूज मी, वेयर इज द एमडीज ऑफिस? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बैठिए. थैंक यू सर. ये मेरा बायोडाटा. नंदू जरा अंदर आना. ये आपने अपना नाम सिर्फ देविका लिखा है. देविका व्हाट? मेरा मतलब है आपका सरनेम. सर मेरा कोई सरनेम नहीं है. मैं नहीं जानती मेरे पेरेंट्स कौन है या कौन थे. मैं अनाथ हूं. आई सी. नंदू इनका टाइपिंग टेस्ट ले लो. जी सर. आइए. एक मिनट, आपने अपना ये कंप्यूटर कोर्स कब ज्वाइन किया? सर बस एक ही महीना हुआ है. नंदू. यस सर. इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दो. सर आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं. क्या हुआ? आई एम सॉरी सर. अगर आप ये नौकरी मुझे चैरिटी में दे रहे हैं या फिर मुझ पर रहम खाकर दे रहे हैं तो मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए. गुड, आई लाइक इट. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आई एम ए बिजनेस मैन. मैं बिजनेस चलाता हूं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं. और मुझे अपने तजुर्बे पर पूरा भरोसा है. मेरा तजुर्बा कहता है कि मैं अपने ऑफिस के लिए एक इंटेलिजेंट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक भरोसेमंद टाइपिस्ट अपॉइंट कर रहा हूं. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. नंदू देविका को इसकी सीट पर ले जाओ. यस सर. वेलकम. यार नंदू, नंदू यार प्रॉब्लम है यार. या तो मुंबई पूरा ही समुद्र में डूबने वाली है या तो वार शुरू होने वाला है. What rubbish you talk, राजेश? I do not talk rubbish, madam. This paper talk. यार कल तक एडवर्टाइजमेंट आते थे 50% दो, 20% दो, आधी कीमत में पूरा माल लेकर जाओ. यार पहले तो एक शर्ट के बदले दो शर्टें फ्री मिलती थी, फिर उसके बाद दो शर्टों के ऊपर तीन शर्टें फ्री मिलने लगी. मगर अब तो ये हाल है, तीन शर्टों के ऊपर पांच पांच छह छह शर्टें फ्री मिलने लगी. यार मार्केट को हो क्या गया? यार मार्केट को क्या हो गया? राजेश तुझे कितनी बार बोला है ऑफिस को लाइब्रेरी या मार्केट डिस्कस करने की जगह मत बनाया करो. मगर ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है इसकी भी तो खबर होनी चाहिए. ऑफिस आज के बाद. डेढ़ बज गया, ऑफिस आर खत्म हो गया है, अभी लंच आ रहा है. ओके. देविका तुम लंच पे चलोगी? नो थैंक्स, मैं लंच नहीं करती. ऑफिस बस से जाती हो? नहीं, बस से मैं बांद्रा तक जाती हूँ, वहाँ से फास्ट ट्रेन लेती हूँ. मैं भी वहाँ से फास्ट ट्रेन लेता हूँ. क्यों ना हम लोग इकट्ठे, आई मीन क्यों ना हम लोग यार रोज बस स्टॉप पे मिलें? ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ से बांद्रा तक का ऑटो का भाड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और हर रोज आप मुझे फ्री में लिफ्ट दें ये मुझे पसंद नहीं है. शायद तुम जानती नहीं हो मैं बॉस का पीए हूँ और मुझे ट्रैवल अलाउंस मिलता है. चलो. क्या तुम भी शुरू से लंच नहीं करते? जब ब्रेकफास्ट लेता हूँ तो लंच नहीं लेता और जब लंच लेता हूँ तो डिनर नहीं लेता. तुम्हारी शादी हो गई? नहीं. अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? देविका तुम में और मुझ में सिर्फ सरनेम का ही फर्क है. मतलब? मुझे ये बताया गया कि मेरे बाप का नाम श्रीकांत मिश्रा था और मुझे नहीं बताया गया कि मेरे पेरेंट्स कौन थे.
ना तुमने अपने पेरेंट्स को देखा है, ना मैंने, ना मुझे उनका प्यार मिला है, ना तुम्हें। पता है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है, ना मेरा। एक जैसी किस्मत लेकर आए हैं इस दुनिया में। और ये किस्मत बुरी नहीं है। हाँ, दूसरों से ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ी है। नाइट स्कूल में रात रात भर जाकर पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है, लेकिन गुजरे हुए कल से आने वाला कल हमेशा अच्छा रहा है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। सुना है उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मैंने भी उम्मीद छोड़ी नहीं। उनका बोले दे दो उनको। वैसे कल संडे है। संडे को तुम क्या करती हो? पहले तो हफ्ते भर के कपड़े धोती हो। वो तो मैं भी करता हूँ। फिर मैं उन्हें आयन करती हूँ। कमाल है, आयन तो मैं भी करता हूँ। और बाकी का दिन क्या करते हो? बाकी के टाइम स्त्री। स्त्री? स्त्री नहीं, स्त्री। मैं बाकी के टाइम में टाइम्स ऑफ इंडिया का मैट्रिमोनियल सेक्शन और इंडियन एक्सप्रेस का मैच बॉक्स पढ़ता हूँ। रात तक मुझे जमाने याद हो जाता है। फिर तो तुम्हें हर लड़की का पता याद होगा। नहीं, एक भी नहीं। वो क्यों? एक अनाथ लड़के के लिए वांटेड कॉलम में कोई नाम या पता नहीं होता है। थैंक्स संजू। देविका, मैं साथ चलो, 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तुम्हारी राय लेनी है एक चीज के बारे में। 10 मिनट लगेंगे। चलो। किसकी जगह है ये? अरे पहले अंदर तो आओ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। किसकी जगह है ये? घर मैंने किराए पर लिया है। कितना किराया? उसकी चिंता नहीं है। अरे बॉस का पीए हूं, बॉस ने कह दिया रेंट अलाउंस तो मिलेगा ही। बहुत दिन से सोच रहा था घर किराए का, सही, लेकिन कहने को तो अपना है। कंग्रेचुलेशंस नंदू। थैंक्स। मेरा भी एक छोटा सा सपना है, एक दिन वो भी जरूर पूरा होगा। क्यों नहीं, जरूर पूरा होगा। क्या हम दोनों मिलकर तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Thank you.
देखिए ये इनका पहला बच्चा है, बच्चे और इनकी केयर बहुत जरूरी है। बाय द वे आपके घर में और कौन कौन है? आई मीन आपके पेरेंट्स रहते हैं ना आपके साथ? नहीं। वो जहाँ भी रहते हैं आप उनको प्रेगनेंसी के वक्त बुला सकते हैं। डॉक्टर, हम दोनों में से किसी के पेरेंट्स नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों अनाथ हैं। डोंट वरी, घबराना नहीं, रेगुलर चेकअप की बहुत जरूरत है। और बोझ बिल्कुल मत उठाना, अपना ख्याल रखना, अपनी बॉडी का, अपनी डाइट का आपको ख्याल रखना है। ऑटो में बिल्कुल सफर मत करना। आज 30 तारीख है, अगले महीने की 30 तारीख को चेकअप के लिए आप आ जाना। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ, इन्हें ले लेना। ओके? अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? दूध लाने को किसने कहा था? तो डॉक्टर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि बोझ बिल्कुल नहीं उठाना है। इसमें हंसने की क्या बात है? नंदू, तुम्हारी अकल पर हंस रही हूँ। एक दूध का ग्लास थोड़ी ना बोझ होता है। एक आम औरत के लिए ये बोझ नहीं है, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत जो अपनी जिंदगी में पहली बार माँ बनने जा रही है, उसके लिए एक ग्लास दूध 10 किलो दूध के बराबर होता है, समझी? देविका जी, ये मत समझिएगा कि ये बोझ आप उठा रही हैं। ये बोझ आपके पेट में पलने वाला बच्चा उठा रहा है, इसलिए प्लीज इस पर रहम कीजिए। ये हमारा पहला बच्चा है, तुम मां बनने वाली और मैं बाप, पता नहीं कैसा होगा। ना मैंने अपने मां बाप को देखा है, ना तुमने, लेकिन हमारे बच्चे हमें जरूर देखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करो, जिंदगी में कोई भी तूफान आ जाए या कैसे भी हालात बने, हम अपने बच्चों को अनाथ कभी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भाई साहब क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोक दी? एक मिनट साहब, जरा सिगरेट ले लूं। नंदू क्या हुआ? कुछ तकलीफ हो रही है? तुम ले जाओ, मैं आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाता हूँ। तुम... अरे नहीं नंदू, वो देखो। अगर हमारे घर में बुजुर्ग होते तो हम भी निश्चिंत होकर ऑफिस जा सकते थे, मगर ये सब बच्चा होने के बाद सोचेंगे। अभी तुम कुछ मत सोचो, डॉक्टर ने सोचने को मना किया है। ओके? क्या सोचने को मना किया बाबूजी? सोचने का, मेरी बीवी माँ बनने वाली है, इसका ख्याल रखने को कहा है। वो तो ख्याल रखना ही पड़ेगा बाबूजी। लो, मैं भी सिगरेट नहीं पीता, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, लो फेंक दे रहा हूँ। बेटा मुझे अगले स्टॉप तक छोड़ दो, बिल्कुल थक गया हूँ, चल भी नहीं सकता, और टैक्सी ऑटो के लिए जेब में पैसे भी नहीं है। प्लीज ठीक है, आइए आगे बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। मुझे भी मानी शिवाय सर्वंगल शिव सर्वानंद नमस्ते मानी। मेरा नाम प्रभु है, लिंदास में काम करता था, 6 साल हो गए रिटायर हुए। आप कहाँ जा रहे हैं? वो
पीपल्स ओल्ड हाउस है आगे, ओल्ड हाउस है आगे, वहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो मैं और मेरी बीबी साल भर से वहाँ रह रहे हैं। बेटी के पास जा रहा था, वो कहीं छुट्टी मनाने जा रहा। रोको चक्की रोको जरा। क्या देख लिया है? क्या हुआ? ये सब क्या है? मैंने आपको बताया नहीं। क्या नहीं बताया? वो लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि हमारे बेटे राम ने पैसे नहीं भेजे। मैं कोई ना कोई बहाना करके बात तो टालती थी, लेकिन आज उन्होंने बाहर ही निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? कब? हम जाएंगे कहाँ? राम भी घर में नहीं है, वहाँ तो ताला लगाया है। क्या? हाँ, राम घर में नहीं है। नहीं है। क्या बात है अंकल? क्या बताओ बेटा, आज की दुनिया में हर एक फैमिली में हर एक किसी की एक फाइनेंशियल यूटिलिटी होती है। जब मैं काम करता था, पैसा कमाता था, सब ठीक था। रिटायर होने के बाद प्रोविडेंट फंड से बेटे के बिजनेस के लिए मशीनें खरीदती, बस उसके बाद मेरी यूटिलिटी खत्म। अब मुझसे कोई फायदा तो नहीं था बेटे को, सोच के भर्ती करा दिया ओल्ड पीपल्स हाउस में। दूसरा क्या? बस उस दिन बहू एक कुत्ते का बच्चा घर लेकर आई, कुत्ते को घर में रख दिया और माँ बाप को घर से निकाल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, औलाद न हो तो एक दुख, औलाद होकर मर जाए तो 100 दुख, और औलाद नालायक निकले तो दुखों का तो अंत ही नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ सोच नहीं आता। क्या हुआ? बड़ी मुसीबत में है बेचारे, ना कोई देखभाल करने वाला है, ना रहने की कोई जगह। उनका कोई अपना नहीं है? है एक बेटा, लेकिन उसने भी उनसे नाता तोड़ लिया है। तुम्हारा मतलब है उसने उन्हें घर से निकाल दिया? हाँ। बंधू, हमारी तरह उनका भी कोई नहीं है। ड्राइवर, टैक्सी रिवर्स लो। दादाजी, जब तक आपका दूसरा इंतजाम नहीं होता है, आप हमारे साथ आकर रहिए। लेकिन बेटा, बिना जान पहचान तुम हमें। माँ जी, तो किसी के भी चेहरे पर हो एक जैसा ही होता है, फौरन पहचाना जाता है। माँ जी, हम भी आपकी तरह बिल्कुल अकेले हैं, चलिए मिलकर एक दूसरे का दुख बांटते हैं। देख माया, देख, अपने पराये हो गए और ये पराये अपने। आइए। वो लोग सो गए? सोने की तैयारी कर रहे हैं। पता है, उनके आने से मेरी चिंता दूर हो गई है। वो कैसे? अब मैं तुम्हें आराम से भूल सकता हूँ। क्या? मेरा मतलब है, अब मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो किसकी फिक्र करने की जरूरत है? इसकी। चलो नंदू, तुम भी ना इतना क्या कर रहे हो, टाई तो ठीक करो। आराम से बाबा। माँ जी, मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख लिया है, आप लंच टाइम पे गर्म करके खा लीजिएगा। और तुम दोनों का खाना? हमने तो हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है,
ऑफिस में सैंडविच वगैरह कुछ खा लेंगे। और मैंने चाय की पत्ती और शक्कर टेबल पर रख दी है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और रात का खाना मैं आकर बनाऊंगी। लेक्चर हो गया। आप लोगों को मार्केट से कुछ चाहिए तो बता दीजिए, हम रास्ते में आते वक्त ले आएंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, इस घर में सब कुछ है, बस भगवान आप दोनों को खुश रखे। अपना ख्याल रखना। चलते हम। कितने अच्छे लोग हैं। बोल राजेश, मैं ऐसे ही नहीं बोलता था तुम लोगों को। अरे यार, आज के जमाने में किसी और पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। भरोसा करना है तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा करो। आज क्या हुआ? ये ले, पढ़। अरे तू ही बता देना यार। एक हस्बैंड वाइफ ने एक बूढ़े कपल के ऊपर तरस खाकर उन्हें अपने घर पर रख लिया। तो शाम को जब वो लोग घर पर पहुंचे तो बूढ़ा कपल नहीं था। क्या हुआ, दोनों मर गए क्या? नहीं यार, चले गए। तो इसमें क्या हुआ? हुआ ये कि जब वो लोग शाम को घर पहुंचे तो घर का सारा सामान लेकर वो बूढ़ा कपल कहीं भाग गया था। क्या? बस 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 गेट ऑफ फर्स्ट। कोई बात नहीं, पैसे तुम लेकर आ जाओ। माँ जी, बाबा, कोई नजर नहीं आ रहा है। माँ जी, कौन? मैं यहाँ हूँ। आप किचन में क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ, दाल सब्जी तैयार है, आटा गूंद रही थी। जब इच्छा हो तो बोल देना मुझे, मैं गरम गरम फुलके बना के दूंगी। माँ जी, बाबा कहाँ है? वो चक्कर लगाने गए बाहर का। तुम दोनों चाय पियोगे? रखो। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं ऑफिस से आकर खुद खाना बना लूंगी, फिर आपने तकलीफ क्यों की? अरे बेटी, अपने घर में मैं अपना खाना नहीं बनाती थी ना, सच कहूं। बहुत साल बाद आज मुझे ऐसा मौका मिला तो मैंने भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों को मेरा खाना पसंद आएगा। वो तो आपके चेहरे पर चमक रहा है। क्या खाना? नहीं, विश्वास। आज तो आपने खाना बना लिया, लेकिन कल ऑफिस से आकर मैं खुद खाना बना लूंगी। मैं काम कर सकती हूँ। बेटी, ऐसी हालत में दिन भर काम करने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है। जा, थोड़ी देर के लिए ले जा, अंदर जाके जा। और तुम भी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय रखती हूँ दोनों के लिए। हाँ जी। इतना मजेदार खाना मैंने पहली बार खाया है। रियली? मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। एक बात कहूं? अब अगर माँ जी कहेंगी ना कि वो खाना बनाना चाहती है तो मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। आइए। दूध लाई हूँ, सोने से पहले गरम गरम दूध पी लेना। अरे माँ जी, मैं दूध नहीं पीती। अरे गर्भवती औरत के लिए दूध पीना बहुत जरूरी है। कमाल है माँ जी, मैं कह कह कर थक गया लेकिन इसने कभी दूध नहीं पिया, और आज आपके कहने पर सारा दूध पी गई है ना। माँ जी, यू आर ग्रेट। मैं ग्रेट नहीं हूँ, दूध इसने पिया है, मेरी बेटी ग्रेट है। यू आर ग्रेट। बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जी कहिए। देखिए, आज तक तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया मैं जानता हूँ, लेकिन अभी और एक एहसान कर दो। एक एहसान वो कि मेरे लिए कोई काम ढूंढो। ढूंढ। आपसे देविका ने कुछ कहा? नहीं, देविका ने बिल्कुल देविका ने कुछ नहीं कहा, मगर
मैं जानता हूँ ना कि इसी महंगाई के जमाने में दो स्टॉप पे भरना कितना मुश्किल है। नहीं मैं जानता हूँ देविका ने। बाबा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप दोनों के खाने से हमारा किचन खाली नहीं हो जाएगा। लेकिन आप अपने आशीर्वाद से हमारा घर खुशियों से जरूर भर सकते हैं। क्या बात करते हैं? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके सिर पर है, हमेशा। देखा 11 बज गए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना, पता लगाइए। इतनी देर हो गई, अभी तक दोनों नहीं आए। कहाँ जाऊं, किससे पता करूं? मैं कोई दोस्त को नहीं जानता, उनका कंपनी का पता नाम भी मालूम नहीं है। कहाँ जाऊं, पता करो, इतनी रात कहाँ जाऊं? शायद आ गए। हेलो माँ जी। हेलो बाबा। जो कोई वक्त है घर आने का? शाम से हमारी नजर दरवाजे पर लगी है। कई बार नीचे जाके सड़क पर से ढूंढ के आया, बार बार उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। इतना भी फिक्र नहीं तुम्हें? इतना सब एहसास नहीं कि somebody must be waiting and worrying about your return at home? कोई डर रहा होगा किसी अनहोनी के डर से। बाबा वो बाबा वो क्या है कि हमारी गलती है, हम आपको बताकर नहीं गए ना कि हमें देर हो जाएगी। मैं खाना गर्म करती हूँ, थोड़ी ही बनाई है तेरे पसंद की। माँ वो हम तो खाकर आए हैं। बाहर खा के आए? अरे डॉक्टर ने बताया था ना, इस हालत में बाहर का खाना नहीं खाना, जल्दी खाना, जल्दी सोना। आजकल के बच्चे सुनते ही कहा वो करेंगे जो मन में आए, खुद पछताते हैं, दूसरे को दुख देता है। और दूसरा कोई? बाबा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप लोग खाना खा लीजिए। आप भी अपने बेटे को जिंदगी में एक बार भी डांटा आपने? और उन्हें तो इसीलिए माया, इसीलिए आज मुझे अपने बच्चे से भी उनकी चिंता अधिक हो गई। कहीं भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, भगवान लंबी उम्र। एक मिनट के लिए मैं सुन सा हो गया था, उम्मीद ही नहीं थी कि डांट पड़ेगी। उनकी चिंता, उनके दिल का डर, उनकी आवाज में वो कपकपी, जैसे मैं सचमुच उनका बेटा हूं और वो मुझे डांट रहे हैं, और अपना हक समझकर डांट रहे हैं। तो ये अपनापन बहुत अच्छा लगा, आज एहसास हुआ माँ बाप अपने बच्चे की गलती पर कैसे डांटते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे डांट पड़ी इसलिए, इसमें तो मैं भी शामिल थी। मुझे खुशी इस बात की हुई कि आज हमारा भी कोई इंतजार करता है, हमारी चिंता भी है किसी को, वैसी चिंता जैसे माँ बाप करते हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर एक दिन मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो? क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। मुझे कुछ नहीं होगा माया,
माया, कहता है देविका की तबीयत ठीक नहीं, अंदर जाके पता करो। हाँ। देखो नंदू, आगे चलकर हम दोनों को छुट्टी की जरूरत पड़ने वाली है। अभी से तुम छुट्टी लेकर घर पर बैठे देविका, तो... तुम्हें कुछ तकलीफ हो गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा। आइए माँ जी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ जी, सुबह से मेरे पेट में जरा सा दर्द है, तो मैंने कहा मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। नंदू कहता है कि वो भी छुट्टी लेकर घर पे बैठेगा। इसको पेट में दर्द है और मैं देविका ठीक कह रही है बेटा, बिना मतलब छुट्टी करनी ठीक नहीं है। और फिर हम दोनों हैं ना इसके देखभाल करने के लिए। पूरा ख्याल रखेंगे बेटी का, चिंता मत कर। अच्छा ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन आप प्लीज लंच के बाद मुझे फोन कर दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा ध्यान यहीं पर रहेगा। नंदू, अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ पर रहेगा तो ऑफिस में काम कौन करेगा? जा रहा हूँ, यहाँ से निश्चिंत होके जाइए, हम देखभाल करेंगे। ओके, बाय बाय। तो बोलू बेटी क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं माँ जी, सुबह जरा उठ के थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ था और कुछ भी नहीं। अच्छा, सोचा छुट्टी आराम करना चाहिए, है ना? पूरी तरह से हमने आवाज तो दे दी होती। बाबा मेरे डायरी में पर्स में है, शांति वर्मा। और नंदू को फोन करना, वो ऑफिस में फोन करना है, नंबर है उसमें। कुछ चिंता मत। हाँ क्या हुआ देविका? मुझे पहले से इस बात का डर था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, देख लिया। ऊंचा मत बोलिए और इन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन डॉक्टर इसे हुआ क्या है? आप लोग बाहर आइए, मैंने इंजेक्शन दे दिया, इन्हें सोने दीजिए। आइए चलिए। आप सच में बहुत लकी है, बार बार बच गए आपके वाइफ। हेमरेज हो जाता तो बहुत डेंजरस था। एनी वे घबराओ मत, मैं शाम को 8 बजे आकर चेक कर जाऊंगी। ओके थैंक यू डॉक्टर। हम लोग यहाँ ही बैठे थे, बाहर बैठे थे, जैसे देविका की चीख सुनी यहाँ से भाग कर अंदर गए, और अंदर देखा तो जमीन पर गिर पड़ी थी और चिल्ला रहे थे डर के मारे। इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं घर पर रहना चाहता था। मुझे मालूम था देविका घर में अकेली है और उसका ख्याल कोई नहीं रखने वाला है। बेटा हमें क्या पता कि आपको कैसे नहीं पता है? आप घर पर है ना, पर आपको ये नहीं मालूम कि घर के दूसरे कमरे में क्या हो रहा है? मालूम पड़ा, इसलिए तो हम लोग वहाँ। आपने बड़े यकीन के साथ कहा था ना कि आप उसका ख्याल रखेंगे, आप हैं उसकी देखभाल के लिए, और मैं निश्चिंत होकर ऑफिस चले जाऊं। तो उसी लिए हम लोग। जो कुछ हुआ है ना ये आपकी लापरवाही से हुआ है। हमारी लापरवाही से? आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, अगर उसे हेमरेज हो जाता तो, अगर उसकी जान चली जाती तो। लेकिन आपको क्या, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या लगती है वो आपकी? कुछ नहीं लगती है। हमारी लापरवाही ना क्या, और हमारी लापरवाही। ठीक है ठीक। चलो बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैं माया को कहता हूँ वो खाना यहाँ ले आएंगे। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप तो जाकर खाना खा लीजिए।
आप अभी तक यही खड़े? मैंने कहा जाकर खाना खा लीजिए। देविका की तबीयत कैसी है? तुम जाकर आराम करो, मैं यहां बैठती हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अब जाकर सो जाइए, मैंने देख लिया आप लोगों ने इसका कितना ध्यान रखा। मैंने कहा ना आप जाकर सो जाइए, मैं देख लूंगा। वो समझते हैं क्या तुम्हारे इतनी बेइज्जती करने का मतलब? क्यों नौकर है उनके? नौकरों में ऐसा सलूक नहीं किया जाता। कुछ मजदूरी तुम्हारे साथ उन्हें जो मेरे होते हुए ठीक हूं। आराम से आराम से। वो कल मैं ऊन का गोला उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ी थी तब ये सब करने की क्या जरूरत है? सॉरी, अगर उस वक्त बाबा और माजी नहीं आते तो आज मेरी हालत और बुरी होती। उतने दर्द में तुम्हें खुद उठ भी नहीं पाती। मुझे लगता है वो दोनों भी रात पर नहीं सोए होंगे। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र थी। उन्हें जाकर बता दो मैं ठीक हूँ। हाँ जी बाबा। राजा ने वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ गए होंगे? तुमने कल रात को उनसे कुछ कहा तो नहीं? आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या लगती है वो आपकी? कुछ नहीं लगती है। राम तो भी है जैसा भी है लेकिन आज तक उसने हमारे सामने कभी जबान नहीं खोली, कभी ऊंची आवाज से बोलने का प्रयत्न नहीं किया। और ये नन्नू जाने कैसे जाने दो? भूल जाओ चुप। कैसे भूल जाओ? क्या इतने गए गुजर हो गए कि मैं कैसे भूल जाऊ? मैं कहीं सर छुपाने की जगह है, मुझे अपना पैसा जिंदा कैसे रहेंगे? भीख मांगेंगे? मैं झोली भी फैलाऊंगी अपने प्रभु के लिए, लेकिन ये
ये तो मर जाएंगे। नहीं, मेरे मुंह में आग लगे, इनसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं सुहागन मरना चाहती हूँ, इनके कंधों पर जाऊंगी मैं तो अपने से ज्यादा इन्हें हमेशा मेरी चिंता रहती है। क्यों नहीं इनकी चिंता दूर कर दूं मैं, क्यों बोझ बनूं इन पर मैं। वैसे भी अब जी कर क्या करना है। मत कर, मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ माया, क्या हुआ? मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता भगवान ने हम पर तरस खाकर हमें आसरा दिया था? हाँ। और एक मौका भी दिया था। हाँ। दो अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार देने का, लेकिन हम दो घर छोड़ आए। मैं मानती हूँ नंदू ने हमारा अपमान किया, लेकिन उस वक्त वो तो मानसिक संतुलन खो बैठा था। आपको याद है जब मैं माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने मेरा केस लेने से इनकार किया तो आपने उसे थप्पड़ मारा था। इंसान की जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जब उसे अच्छे बुरे का होश ही नहीं रहता। आपने भी तो नंदू को डांटा था उस दिन जब वो रात को देरी से आया तब। लेकिन उसने तो बुरा नहीं माना क्योंकि वो जानता था ये गुस्सा नहीं है, ये प्यार है तुम्हारा, ये तुम्हारी चिंता है उसके प्रति। लेकिन तो कहना क्या चाहती है? देखिए देविका को इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। इस हालत में हमें उसके पास होना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। पता नहीं बेचारी क्या करती होगी अकेली, हमें उसके पास जाना चाहिए। बेचारी देविका। देविका बेटी। माँ जी, बाबा, नंदू को माफ कर दीजिए। बाबा, बाबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, माफ मांगने की कोई जरूरत नहीं, गलती हमारी थी जो हम अपने आप को तुम्हारे माँ बाप का समझ बैठे। नहीं बाबा, पापा ऐसा मत कहिए, हमने आप लोगों को माँ बाप जैसा समझा है। हाँ, माँ बाप जैसे समझे, माँ बाप नहीं बेटी। बाबा, माँ, हम दोनों ने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा है, कभी उनके प्यार को नहीं पाया, इसलिए उनका गम भी नहीं है। लेकिन अब पाकर खोने का गम हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए बाबा प्लीज घर चलिए। बेटा, बेटा, किस अधिकार से, किस अधिकार से? बाबा, उस अधिकार से, जिस अधिकार से, जिस कारण आपने हमें उस दिन डांटा था। हाँ माँ, हमें आज एहसास हुआ है
कि खून के रिश्ते से बढ़ के दिल का रिश्ता होता है। माँ, बच्चों को अडॉप्ट करने का कानून तो है, अगर माँ बाप को अडॉप्ट करने का कानून होता तो हम आप दोनों को कानून अपने माँ बाप बना लेते। दिल के रिश्ते से आप हमारे माँ बाप हैं। बाबा